हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे एक्सप्रेशन असाइनमेंट ऑपरेटर। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ है। असाइनमेंट ऑपरेटर तो ठीक है, समझ में आती है कि जी असाइन करते हैं हम उससे वैल्यूज अपने वेरिएबल्स को। तो ये एक्सप्रेशन असाइनमेंट ऑपरेटर क्या हुआ सर? हमारे पास जब लॉन्ग एक्सप्रेशन होती हैं और अगर हम असाइनमेंट करते हैं वेरिएबल्स को, तो हमें वो वेरिएबल्स को बार बार यूज करना पड़ता है। ठीक है, जैसे जैसे हमारा कोड बढ़ता चला जाता है, और वेरिएबल के नंबर ऑफ वेरिएबल्स बार बार हमें जो है कॉल करना पड़ता है। इस चीज से बचने के लिए ये वालरस ऑपरेटर बनाया गया था। वालरस नाम रखने की रीजन ये है कि थंबनेल पे आपने एक एनिमल देखा होगा वालरस, उसकी शक्ल इस तरह से होती है कि दो आईज और उसके बाद उसके टस्क इस तरह से होती है इक्वल साइन की तरह। तो उसके रिजेम्बलेंस की वजह से इसका नाम वालरस ऑपरेटर रखा गया। और इसका यूज केस आप देखते हैं कि जरूरत क्यों महसूस हुई, कैसे यूज कर सकते हैं, यूज केसेस कौन कौन से हैं, और कुछ थोड़ी सी कॉशंस के इसको यूज करते हुए आपने किन किन चीजों का ख्याल रखना है ताकि आप जो है आप कोड में आपके प्रॉब्लम्स ना आए, नीट क्लीन कोड रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम जब असाइनमेंट करते हैं, सपोज मैंने एक्स को 10 किया तो ये मैंने असाइन कर दिया। ठीक है, इक्वल्स असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया और यहाँ पे मैंने असाइन कर दिया। अब यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करा रही हूँ, तो अब मैं एग्जीक्यूट कर रही हूँ। ओके, तो अब ये क्या चीज़ हो रही है, यहाँ पे असाइनमेंट हो रही है, यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो रही है। इट्स नॉर्मल, हम हर वक्त ये काम करते रहते हैं। लेकिन सी में टू सम हाउ ऐसा होता है कि एग्जीक्यूशन पे ही असाइनमेंट यहाँ पे की जा सकती है। ठीक है, तो और जो कि यहाँ पे हमारे केस में जो हम नॉर्मल पाइथन में यूज करते हैं, बाकी लैंग्वेजेस यहाँ पे ये अलाउ नहीं होती। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चाहूँ कि एग्जीक्यूशन पे ही यहाँ पे मैं असाइनमेंट करूँ, उसी एक्स को 10 मैं यहाँ पे देना चाह रही हूँ, साथ प्रिंट कराना चाह रही हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे ये इनवैलिड सिंटेक्स है, ये अलाउ नहीं करता। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे वालरस ऑपरेटर को यूज करें तो इट्स क्वाइट फाइन और कोई एरर नहीं होगा, और ये देखिए नीट क्लीन तरीके से चल चुका है। तो इस तरह से वालरस ऑपरेटर को, यानी हम किसी एक्सप्रेशन के अंदर भी इसको यूज कर सकते हैं, तो यूज इसका लिए है। ठीक है, तो आप और इसको स्पेशली बहुत ज्यादा व्हाइल इफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर इसका बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं, और इट्स वेरी बेनिफिशियल। एक दो एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि हमारा कोड कितना छोटा हो जाता है, रीडेबिलिटी कितनी बढ़ जाती है, और वो हमारे लिए कितना ईजी हो जाता है वायरलेस ऑपरेटर को यूज करना। ट्रस्ट मी, जब आप इसको यूज करना शुरू करेंगे तो आपको खुद से ही फिर इसके बेनिफिट्स बहुत सारे साथ के साथ पता चलते रहेंगे। सपोज मैं अपने यूजर से कुछ नंबर्स लेना चाह रही हूँ, और मैं उसको एक लिस्ट बनाती हूँ, यहाँ पे एम्प्टी रखती हूँ उसको, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने यूजर से इनपुट में जो है ना कुछ नंबर्स लो। ठीक है, तो मैं इनपुट फील्ड में देती हूँ, उसको प्रॉम्प्ट करती हूँ यहाँ पे कि आप अपने जो है यहाँ पे अपना डाटा, या बल्कि कह देते हैं कि आप जी नंबर अपने यहाँ पे एंटर करें, कोई कंफ्यूजन ना हो ताकि, और आप अपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो नंबर है एंटर करें। और साथ के साथ हम ये कह देते हैं कि अगर आपको यहाँ से क्विट करना है तो उसके लिए आप एंटर प्रेस करेंगे -1 को, तो आप क्विट कर जाएंगे। ठीक है, उसको आप स्टॉप कर सकते हैं या क्विट कर सकते हैं इससे। ठीक है, ये मैसेज कर दिया। अब हमें पता है हमने लेने हैं नंबर, और इनपुट में तो आता है टेक्स्ट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको इंच में डाल देते हैं ताकि ये हमें नंबर जो है हमारा कन्वर्ट कर दे हमें इंच के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब हम इस जो भी हम यहाँ पे यूज करें, हम इसको एक नंबर नाम का वेरिएबल लेते हैं, और उसके अंदर इसको, यानी यहाँ पे यूजर जो भी एंटर करेगा वो इंटीजर बन के इस नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। लेकिन चूंकि अब ये कंटिन्यूस डाटा आएगा, तो डेफिनेटली मुझे को यहाँ पे लूप लगाना पड़ेगा जिसके थ्रू मैं चेक करूंगी। तो मैं कहती हूँ कि जब तक ये ट्रू है, वाइल ट्रू, ठीक है, और उसके बाद कॉलन लगाया और इसको एक टैब आगे कर देते हैं ताकि स्कोप उसके अंदर रहे। ठीक है, तो अब जो है हमारा जो है, जब तक ये ट्रू है, यानी जब तक यूजर एंटर कर रहे हैं, तो वो एंट्रीज या नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर होती रहेंगी। ठीक है, और हमने कहा है कि क्विट कर कैसे कर सकते हैं यूजर यहाँ से, तो हमने कहा कि -1, तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी कि अगर नंबर जो है -1 है तो क्या करो, ब्रेक कर देंगे हम उसको। ठीक है, उससे बाहर आ जाए ताकि। ओके, अब इसके बाद जो है, जब ब्रेक कर दे, तो उसके बाद हम कहते हैं कि जी अब आप इसको हमारे इस लिस्ट के अंदर अपेंड करा दो, और उसके बाद नेक्स्ट हम इसको ऐसा कर देंगे यहाँ से आउट करा के, और यहाँ पे हम इसको प्रिंट भी करा देते हैं। ठीक है, तो हमारे डाटा में जो जो डाटा लिस्ट के अंदर आए, हम उसको यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं। ये हम नॉर्मल कोड कर रहे हैं, जिस तरह से हम विदाउट अभी वायरलेस ऑपरेटर का हमें यहाँ पे कोई यूज नहीं किया।
जैसे सुनाओ, अब यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ लाइंस भी आपको दिखा दूँ ना कोड की, तो वो मेरे ख्याल में बेहतर होगा। तो यहाँ पे 7 लाइन ऑफ कोड है हमारा, जिसमें हम छोटा सा काम करें कि यूजर से एक इनपुट लेना है और उसको अपेंड कराना है इधर डाटा के, ठीक है, सिर्फ इतना सा काम है। चलें फिर लेते हैं कुछ। यहाँ पे हम नंबर डालते हैं, 22 डाला हमने, एंटर किया, 33 डाला, 55 डाला, उसके बाद हमने -1, और अब हम आउट हो गया, प्रिंट हो गया डाटा हमारे पास 22, 33 और 55 जो कि एक्सपेक्टेड था वो हमारे पास आ चुका है। अब इसी अगर कोड को मैं कंट्रोल ए करती हूँ, कंट्रोल सी करती हूँ, और ऐसा करते हैं कि एक और सेल के अंदर जाके इसको हम पेस्ट करते हैं, और इसी कोड को अगर हम वॉलर्स ऑपरेटर के थ्रू करें तो देखते हैं कि क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, कंट्रोल भी किया इसको। अब आपने उसके लिए करना क्या होगा, हमें इस वाइल ट्रू की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो फिर ये किस तरह से होगा इसको देख लेते हैं आप। ये हमें इफ और ब्रेक की भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम हटा देते हैं, ठीक है। डाटा डॉट अपेंड हमें चाहिए होगा, ये जो इफ नंबर इज इक्वल टू -1 किया था ना, उसको हम यहाँ पे कर सकते हैं कि नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये काम हमारा हो गया। अब हम कह सकते हैं कि जी जब तक हमारा वाइल है, ठीक है, ये वाइल है, इसको हम एनक्लोज कर देते हैं एक पैरेंथेसिस के अंदर। तो हम कहते हैं इसको कि आप ऐसा करो कि ये अब यहाँ पे हम कॉलन इक्वल्स करके, और हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इसको जो है अपना वॉलर्स ऑपरेटर यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है, और हमने इसको कह दिया कि जब तक जो है हमारा जो है ट्रू है, यानी नॉट इक्वल टू -1 है, तब तक आपने क्या करना है, यूजर से इनपुट लेते रहना है, अगर वो -1 करे तो तब आपने यहाँ से जो है ये ट्रू की जगह वाइल जो है फॉल्स हो जाएगा, और फिर हम चाहेंगे कि ये हमारा इसकी इंडेंटेशन भी सही कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे हमें वाइल लूप के लिए कॉलन लगाएंगे ताकि हम इसका स्कोप यूज कर सकें यहाँ पे, और हम इसको टैप कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा यूज हो चुका है, हमने ये हमारे पास लिस्ट है। उसके बाद हमने कह दिया कि जब तक हमारा जो है ये चल रहा है, उस वक्त तक आपने क्या करना है, इसको यूज करना है, और इसको हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, और इसको बैक स्पेस में आ देते, ठीक है। तो अब यहाँ पे यही काम जो हम 7 लाइन ऑफ कोड में कर रहे थे, जस्ट हमने यहाँ पे उन सारी चीजों को वाइल ट्रू खत्म, सिर्फ वाइल यहाँ पे लगा दिया, पैरेंथेसिस लगाए हैं, एक्स्ट्रा जो लगा है ये आप नोट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो इफ और ब्रेक था उसकी जगह नॉट इक्वल -1, और इट्स क्वाइट इजी और रीडेबल है, समझ आ रही है कि जब तक -1 नहीं है जी, जब तक आप इसको चलाओगे, ठीक है। और उसके बाद हमने अपेंड करा रहे हैं जो भी नंबर आ रहे हैं। यहाँ पे असाइनमेंट क्या हो रही है कि जैसे जैसे एक नंबर यूजर ने एंटर किया, इस नंबर नाम की वेरिएबल में चला गया, दूसरा किया चला गया, तीसरा किया चला गया, ठीक है, वो सारे नंबर इसके पास हैं। जैसे ही -1 करेगा वाइल फॉल्स हो जाएगा, और उसने अपेंड कर देगा इसको, और उसके बाद जो है प्रिंट करा के हम दे देगा, ठीक है। तो ये आप इसको हम रन करते हैं एक दफ़ा, और कुछ नंबर्स एंटर करते हैं, 11 एंटर किया, 56 एंटर किया, 77 किया, -1 किया, और ये हमारे पास ये सारे के सारे प्रिंट हो गए, ठीक है। बिल्कुल वही सारे काम जो हम कर रहे थे ऊपर 7 लाइन ऑफ कोड में, तो हमारे पास यहाँ पे ये 3 लाइन ऑफ कोड में, समझ लीजिए डाटा तो हम अगर जो है ना इसको इस कोड के अंदर नहीं वो कर रहे मेंशन, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट 3 to 4 लाइन ऑफ कोड हमने यहाँ पे कम कर लिया है, और रीडेबिलिटी भी ज्यादा इसकी बढ़ चुकी है। अब कुछ कॉशन जो मैं आपसे कह रही थी कि आपने ख्याल करना है, आपने गौर किया होगा कि वाइल के बाद मैंने इस सारे को मैंने पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पे इनक्लोज किया, तो वॉलर्स को यूज करते हुए आपने ख्याल रखना है कि कोशिश करें कि आप इसको पैरेंथेसिस के अंदर इनक्लोज करें। पहली बात तो वो आपको वैसे ही एरर भी दे देगा, अगर आप ऐसा नहीं भी करेंगे ना तो आपको एरर दे देगा। आप अगर इस तरह से कराने की कोशिश करेंगे इसके बगैर, तो वो कहेगा कि इस सिंटैक्स को तो भाई मैं जानता ही नहीं हूँ, ठीक है, ट्राई भी कर लेते हैं इसको, ठीक है, तो वो कहेगा कि ये सही नहीं है, वो कहे इट्स नॉट अलाउड, क्या, इसलिए आपको यहाँ पे इनक्लोज बता भी देगा कि वॉलर्स यूज करना है तो आप यहाँ पे डालें, ठीक है। लेकिन समटाइम्स अगर आपको इस तरह की कोई इशू नहीं आता, एरर नहीं भी आता, तो आपकी उसके लिए बता दूं कि चूंकि इसकी प्रेसिडेंस कम होती है, अब यहाँ पे अगर कोई एडिशन मल्टीप्लिकेशन और ऑपरेशन हो रहे होंगे
तो चूंकि वालस की प्रेसिडेंस कम होगी तो इस दफा आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आएंगे, ठीक है। सम टाइम अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आएंगे, उस वक्त कोई एरर भी नहीं आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक्चुअली हुआ क्या। इसकी एग्जाम्पल ऐसा करते हैं, यहीं पे मैं आपको आई पैरेंथेसिस कराती हूँ रिमूव, और उसके बाद इससे हम कोड को चलाते हैं और देखते हैं क्या वो रिजल्ट अब हमारे पास आता क्या, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे से नंबर मांग रहे हैं, मैं कुछ नंबर एंटर कर रही हूँ, ठीक है। ये 3 नंबर एंटर किए, उसके बाद माइनस 1 कर दिया। देखिए आप मेरे पास रिजल्ट क्या है, ट्रू ट्रू ट्रू। ये क्या बात हुई, मतलब हमने तो सिर्फ पैरेंथेसिस रिमूव किए ना, और तो हमारा कोड एज इट इज है, कोई भी हमने चेंज की ही नहीं इसके अंदर। लेकिन माय डियर यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज आ चुका है। चेंज क्या आ चुके हैं कि एक्चुअली अब ये जो है इसकी प्रेसिडेंस हाई है, ये जो इनपुट आ रहा है यहाँ पे, अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक अब इसको ये चेक करता है कि क्या नॉट इक्वल टू -1 है। वो कहता है कि हाँ जी है, तो कहता है कि जो भी इधर नंबर एंटर हुआ है ना वो इसको इधर अपेंड करा, ठीक है। उसके बाद फिर चेक करता है कि नॉट इक्वल टू जो है -1, वो कहता है ट्रू, नॉट इक्वल टू -1 है, ठीक है। तो जब तक यानी आप नंबर एंटर कर रहे हो ना तो वो ट्रू है, तो जितने नंबर एंटर करोगे वो ट्रू 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 आपको देखिए, वो इसको कंसिडर ही नहीं कर रहा, ओके। वालरस उसके मतलब उसमें है ही नहीं, ये मौजूद ही नहीं। तो अब ये सोचो कि अब यहाँ पे कोई एरर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपको कितना बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। तो कीप इट इन योर माइंड कि आपने इसको पैरेंथेसिस के अंदर रखना है। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। फीडबैक जरूर दीजिएगा, मुझे पता चले। अगर आपको और भी एग्जाम्पल्स चाहिए हो, जैसे यूज केसेस का हो, तो प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। आप सपोज अपने कार्ट में डलवाते हुए भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं यूजर से। इसके अलावा आपके प्रोडक्ट्स जो है, सपोज आपने थ्रेश होल्ड रखा हुआ है, जैसे आपकी प्रोडक्ट है, सपोज कहते हैं लैपटॉप रखे हैं आपने, कुछ स्मार्ट वॉचेस हैं, ये चीजें आपने थ्रेश होल्ड 3 का रखा हो, 3 से कम प्रोडक्ट ना हो, जैसे ही 3 से कम हो तो आपको आप इस वॉलेस ऑपरेटर को यूज करके नोटिफाई कर सकता है आपको कि जो है आपका थ्रेशोल्ड से कम हो गया। और बहुत ज्यादा यूज केसेस हैं इसके, कुछ करके देखिएगा। कुछ प्रॉब्लम हो तो जरूर डिस्कस कीजिएगा। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।